अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सब लोगों का। होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। तो जी, आज मैं आप लोगों के पास जो वीडियो लेकर आई हूँ उसमें मैं आप लोगों को एक ब्यूटी सीक्रेट शेयर करूँगी नारान, कावान, हमजा और कश्मीर के लोगों का। क्योंकि हम लोगों ने अक्सर देखा है कि कश्मीर और नारान, कावान और हमजा के लोग इतने ब्यूटीफुल होते हैं, इतनी ग्लो उनकी चीक्स इतनी ज़्यादा ग्लो कर रही होती हैं और उनकी औरतें इतनी ज़्यादा खूबसूरत होती हैं, तो वो कैसे होती है। तो अभी जैसे आप लोगों को पता है कि रिसेंटली अभी हम लोग जो है वो नॉर्दर्न एरियाज़ के ट्रिप पर निकले हुए थे, जो कि मैंने इंस्टाग्राम पर आप लोगों के साथ अपडेट भी देती रहती थी। तो जिन लोगों को नहीं पता तो अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग जो है वो नॉर्दर्न एरियाज़ के ट्रिप पे गए थे, तो वहाँ पे लोगों को मैंने अक्सर नोटिस किया, औरतों को स्पेशली, कि वो इतना ग्लो, उनकी स्किन इतनी ज़्यादा ग्लो कर रही होती है। तो जी, आज मैं उन लोगों का आप लोगों के साथ जो है वो ब्यूटी जो है वो सीक्रेट शेयर करूंगी कि वो लोग अपनी स्किन केयर रूटीन कैसे करते हैं और वो लोग क्या अपनी डाइट में लेते हैं जिसकी वजह से जो है वो इतने ज़्यादा गोरे होते हैं कि उनकी स्किन ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा ग्लो कर रही होती है। हाँ जी, तो हम लोग जो है वो हमजा में एक दिन घूम फिर रहे थे, वहाँ पे एक औरत जो थी वो रोटियाँ बना रही थी। मैं उसकी वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैंने उसके साथ जाके बात की थोड़ी सी, तो वो मेरे साथ थोड़ी फ्रैंक हो गई। फिर मैंने उसके साथ जो है वो अपनी मतलब थोड़ी बातचीत की और उससे पूछा कि वो मतलब इतनी ज़्यादा जो है वो गोरी कैसे है, इतनी ज़्यादा ग्लो कैसे करती है। तो उसने जो मुझे सीक्रेट बताया, सो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ वीडियो बनाई जाए और आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए कि वो क्या ब्यूटी सीक्रेट है और वो लोग क्या यूज़ करते हैं कि वो इतने ज़्यादा जो है वो ब्लश कर रहे होते हैं, इतना ग्लो कर रहे होते हैं। हाँ जी, तो असल में बात यह है कि वो लोग जो है वो सारा दिन मेहनत करते हैं, सारा दिन धूप पे फिरते रहते हैं, घूमते रहते हैं, काम भी औरतें वहाँ की जो है वो खुद करती हैं, सारा काम खुद करती हैं, खाना खुद बनाती हैं, बच्चों को संभालती हैं, धूप में घूमती फिरती रहती हैं, लेकिन फिर भी वो उनकी स्किन जो है इतनी ग्लो कर रही होती है। तो कैसे, तो उसने जो है वो मुझे बताया कि हम लोग जो है हमारी कोई स्किन केयर रूटीन नहीं होती क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता कि हम लोग जो है अपनी स्किन की केयर कर सकें। तो उसमें जो है एक जब किसी लड़की वगैरह कि शादी होनी होती है तो वो 2-3 मंथ्स जो है पहले अपनी स्किन केयर रूटीन जो इतना ग्लो करी होती है, उनके स्किन जो है वो इतनी ग्लोई होती है कि ये चीक्स पे यहाँ पे हम लोग तो जो है वो वाइट, बिल्कुल वाइट होते हैं, लेकिन वो जो है रेडिश होते हैं, उनकी चीक्स इतनी रेड हो रही होती है, इतनी ग्लो करी होती हैं। तो उसका सीक्रेट क्या है, वहाँ पर मुझे एक लड़की मिल गई। खैर, मैं चाह रही थी कि प्रॉपर वो वीडियो जो है वो मुझे बताए ताकि वो खुद अपने मतलब वो खुद बताएगी, तो ताकि मैं इसमें जो है वो उसका क्लिप जो है वो ऐड कर दूंगी, लेकिन उसने मुझे अलाउ नहीं किया वीडियो बनाने के लिए। सिर्फ एक क्लिप मैंने उसका बनाया, वो मैं इसके साथ जो है वो इस वीडियो में डाल दूंगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। और वैसे भी किसी के वो लोग वहाँ के लोग जो होते ही थोड़े इस तरह कंजर्वेटिव होते हैं कि वो अपनी जो है वो सामने आना पसंद नहीं करते कैमरे के, फिर भी जो है वो मैंने आप लोगों के साथ उसकी जो है वो रिकॉर्डिंग शेयर कर दी। हाँ जी, तो कहने का मकसद ये है कि सारा दिन उनकी औरतें जो है वो काम करती हैं, बच्चों को संभालती हैं, लकड़ियों पे वो लोग खाना बनाते हैं, और फिर भी वो जो है उनकी औरतें इतनी ज़्यादा ग्लो कर रही होती हैं। तो मुझे उस लड़की ने मैंने उसका क्लिप भी शेयर किया है, ज़्यादा बातचीत तो क्योंकि उसने अलाउ नहीं किया मुझे वीडियो बनाने के लिए, लेकिन उसने मुझे जो है वो बहुत सारे टिप्स वगैरह बताई हैं कि वो लोग यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं और उनकी स्किन केयर रूटीन क्या है। तो उसमें जो है एक जो है वो उसने मुझे DIY बताया, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो जी चलिए फिर उस DIY की तरफ। ये मैदे की रोटी है ना, गंदम वाली रोटी नहीं है, मैदे वाली है। हमारा घर हिमिया खां, पंजाब 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 पंजाब। हाँ, ये रोटी पूरी एक बंदा खाए। तो जो उसने मुझे DIY बताया है उसमें सबसे पहली चीज जो डलती है वो है आलू पोटैटो। इसको आपने क्या करना है कि छिलके के समेत ही आपने इसको जो है वो क्रश कर लेना है, मतलब कद्दूकश कर लेना है, ठीक है, ग्रेट कर लेना है। और दूसरी चीज इसमें जो है वो ब्राउन शुगर, आप किसी भी ब्रांड की ब्राउन शुगर यूज कर सकते हैं, मैं जो हूँ वो क्रिसेंडो की ब्राउन शुगर यूज करती हूँ, ठीक है। और तीसरी सबसे अहम चीज जो उनका ब्यूटी सीक्रेट है वो ये है व्हाइट मकई, सफेद मकई। सफेद मकई यहाँ से तो नहीं मिलती क्योंकि मैंने पंसार की दुकान से पता किया था, वो यहाँ से नहीं मिल रही, ये बिल्कुल थोड़ी सी रह गई है, मैं उसी से लाई थी, उसने मुझे दी थी और मैंने ये बॉटल में डाल के रख ली थी। अगर आप लोगों ने मेरी पिछली प्रीवियस वीडियो देखी है जिसमें मैंने आप लोगों को रूम टूर करवाया, उसमें मेरे वॉशरूम में ये जो है डिब्बी पड़ी हुई थी, ये मैंने तब से आके शुरू की हुई है और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ, किसी का फायदा हो जाए।
तो ये तीन चीज़ें जो हैं ये मैं यूज़ करती हूँ, ब्राउन शुगर, पटेटो और ये वाइट मकई। वाइट मकई सर्दियों में आती है, अगर आप अंसार की दुकान से भी पता करें ये सर्दियों में आएगी, गर्मियों में आप लोगों को नहीं मिलेगी, बस वैसे भी सर्दियाँ आने वाली। हाँ जी, तो जी चलिए DIY की तरफ। इसमें सबसे पहले जो है वो आलू लिया है, इसको मैं आप लोगों को अभी जो है वो कद्दूकश करके आप लोगों को जो है वो दिखाती हूँ इसके साथ। ओके हाँ जी, तो जी ये देखें, ये मैंने इसको कर लिया है कद्दूकश। अब मैं इसका पानी आप लोगों को निकाल के दिखाती हूँ, इसका जूस। हाँ जी, तो जी ये मैंने इसका जूस निकाल लिया है। आप लोगों ने फ़ौरन से यूज़ करना है क्योंकि ये बहुत ब्लैक हो जाता है, तो इसलिए आप लोगों ने फ़ौरन से इसको यूज़ कर लेना है। अब ये थोड़ा वाइट वाइट है, लेकिन थोड़ी देर भी अगर ये पड़ा रहेगा तो ये ब्लैक हो जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं DIY की तरफ। हाँ जी, तो अब हम लोग जो है DIY प्रिपेयर कर लेते हैं। उसमें जो है वो ब्राउन शुगर है, ये एक चम्मच है, ठीक है। आप लोग अपने मुँह के हिसाब से ले सकते हैं, मेरा मुँह थोड़ा बड़ा है तो इसलिए मैंने 1 चम्मच लिया है, तो आप लोग इसकी क्वान्टिटी कम भी कर सकते हैं, ठीक है। ये अब हमने इसमें डाल दिया। और सफ़ेद मकई जो है सबसे मेन इंग्रेडिएंट, ठीक है, इस ये भी 1 चम्मच मैंने लिया है। ये आप लोग इसकी क्वांटिटी भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको ज़्यादा नहीं डालूंगी, मैं थोड़ा ही डालूंगी क्योंकि ख़त्म ना हो जाए। अभी मुझे ज़्यादा टाइम यूज़ करना है जब तक सर्दियाँ आएंगी, क्योंकि तब ये मिलेगा, तो इसलिए मैं इसका जो है इतना चम्मच जो है वो ये छोटा स्पून है, मतलब टी स्पून है मेरे ख्याल, टेबल स्पून नहीं है। तो ये अब हमने डाल लिया इसमें। उसके बाद अब हमने क्या करना है कि इसमें ये जो है वो पोटैटो जूस डालना है, ये भी इसमें मैं 2 चम्मच ही डाल। चलें तो अब आप लोगों ने देख लिया होगा कि इसमें मैंने ब्राउन शुगर का 1 चम्मच ऐड किया है, सफ़ेद मकई ऐड की है, उसके बाद जो है वो आधा लेमन जो है वो कद्दूकस किया है, ठीक है। तो आप लोगों ने इस क्वांटिटी इसकी जो है तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं आप लोग। तो मैं अब इसको आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ, ठीक है। हाँ जी, तो जी ये मैंने अप्लाई कर लिया है, आप लोग देख सकते हैं। अब ये मेरे आफ्टर रिजल्ट्स हैं, आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी मुझे इससे डिफरेंस फील हो रहा है और आप लोगों को भी हो रहा होगा। तो जी आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे रिजल्ट्स जो है वो ज़रूर बताइएगा। हाँ जी, तो जी अब आप लोगों ने देख लिया होगा कि इस DIY का रिजल्ट एक ही टाइम के यूज़ में कितना ज़्यादा आप लोगों को मिला है। अगर आप इसको रेगुलर यूज़ करना चाहें रेगुलर यूज़ कर सकते हैं, अगर आप वीक में जो है वो 3 टाइम यूज़ करना चाहें 3 टाइम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो है मैं वीक में, अगर आप लोग, अब सर्दियों में तो रोज़ाना यूज़ नहीं हो सकता, इसलिए आप इस तरह किया करें कि हफ्ते में 2 दफ़ा यूज़ कर लिया करें, और उसके बाद जब आप यूज़ करके आप लोगों को इससे कोई जो है वो रिजल्ट मिले, इंशाल्लाह आप लोगों को गारंटेड रिजल्ट मिलेंगे इससे। तो आप लोगों ने क्या करना है कि इसी वीडियो में आना है और यहाँ मुझे आके नीचे कमेंट्स में बताना है कि आप लोगों को कैसे रिजल्ट्स मिले। तो इंशाल्लाह मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।